राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, थाने दो बारी राम राम जी। दो बार क्यों जी, एक बार क्यों नहीं? देखो जी, मैं थारा मेहमान, थे माने चाय पिलाऊगा, थे माने बिस्किट खिलाऊगा, थे मारी खूब सेवादारी करोगा, तो जी मारा फर्ज बनता है थाना दो बारी राम राम करने का। क्यों सेठानी जी, सही बोल रहा हूँ? घर पे आए मेहमानों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है जी। राम राम, राम राम। अजी छोड़ दो इस बात को, अब तो काम की बात पास हो। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी, काम की बात करने वास्ते तो गाड़ी में 5,000 का तेल फूक के इतनी दूर आपसे मिलने आए हैं। तो बताइए, आपका लड़का क्या काम करता है और कितना पढ़ा लिखा है? देखो जी, हमारे पास कोई कमी नहीं है, गाड़ी की, घोड़ों की, जमीन की, जायदाद की और टूमटा की भी कोई कमी नहीं है जी। बस कमी है तो बस एक चीज की जी। हमें बताइए जी, किस चीज की कमी है? हो सकता है कि हम वो कमी पूरी कर दें। राम बोलो करे, राम बोलो करे। देखो जी, एक कमी है जी बहू की, बस बहू आ जाए घर में और कोई कमी नहीं रहेगी जी। क्यों सेठानी जी? हाँ जी, ठीक है सेठ जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, अगर भगवान ने चाहा ना तो आपकी ये मनोकामना भी पूरी होगी। लेकिन आपने बताया नहीं जी कि आपका लड़का काम क्या करता है और कितना पढ़ा लिखा है। देखो जी, लड़के ने क्या करना है, बाप का बिजनेस संभालता है, है? और रही बात पढ़ाई की, डबल एमए की डिग्री ले रखी है। राम बोलो करे, राम बोलो करे। एक बात तो बताओ जी, आप अपने लोंडे को क्यों नहीं लेकर आए, उसे हम भी देख लेते। लाए हैं जी साथ में। अच्छा, तो गाड़ी में बैठे हैं, तो आप उन्हें बुलाओ ना यहाँ पर। राम बोलो करे, राम बोलो करे। गाड़ी में नहीं है जी। और कहाँ है जी? ये रहा जी हमारा बेटा खली। ओ बेटे, ये आपका बेटा खली? हाँ जी, हमारा तो खली यही है, है? वैसे आपने अभी तक अपनी लड़की को नहीं दिखाया जी। राम बोलो करे, दिखाओ तो हमारी होने वाली बहू को। अरे सेठ जी, क्या बात कर रहे, या बैठी मेरी बेटी तो यहाँ है। के बात कर रहे जी, ये आपकी बेटी है? हाँ। राम बोलो करे। मैं तो समझा जी आपकी धर्मपत्नी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? गुस्सा नहीं जी, गुस्सा नहीं। हाँ बेटे खली, तने लड़की पसंद है के? हाँ जी पिताजी, मुझे लड़की पसंद है, मगर। शर्मा आ गया बेटा, शर्मा आ गया है। मगर के बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं, बोल के बात है। पिताजी, मैं लड़की से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, पूछो, जो तुम्हारा सवाल है पूछो। आपकी लड़की शादी के बाद जींस टॉप डालने की मंजूर है क्या, बोलो? ये आप क्या बोल रहे हो जी, मैंने तो कभी जींस टॉप पहनी ही नहीं। तेरे को मंजूर है या नहीं? खली, आराम से बेटा, आराम से, बच्ची डर जाएगी। खली की माँ समझा, खली ने थोड़ा समझा, आराम रहे बेटा, गुस्से से नहीं, प्यार से बेटा, प्यार से। हाँ कर दो जी। अरे मैंने कभी जींस और टॉप पहना ही नहीं, तो मैं कैसे हाँ कर दू, मैं तो हमेशा साड़ी या सूट ही पहनती हूँ। तो फिर शादी नहीं होगी? ए बेटी मान जा। पिताजी आप भी, ऐसे कैसे हाँ कर दू जब मैंने जींस और टॉप पहननी ही नहीं है। पिताजी चलो घर, मुझे नहीं करनी शादी। अरे मान जा भाई, तू मान जा, मान जा बेटी, तू मान जा। ए बेटी मान जा। चलो ठीक है, पहन लूंगी। अब बन गई ना बेटे बात है। तो ठीक है जी, माने ये रिश्ता मंजूर है। रुको पिताजी। अब क्या है बेटा खली? मेरा एक सवाल और है। हाँ बेटा, वो सवाल भी कर ले। शादी के बाद हर रोज मेरे लिए चिकन बनाएगी, मंजूर है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम तो प्योर वैष्णो है, मैं नहीं बना सकती चिकन। तो फिर मैं भी शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा खली, आलू की सब्जी बनवा ले।
अरे बेटा बहू से मटर पनीर बनवा लेना ना। अरे बेटा दाल मखनी बनवा बनवा खाइए। और मैं भिंडी तोरी कद्दू घिया उनकी सब्जी भी एकदम मस्त बनाती हूँ। सिर्फ चिकन मंजूर है या नहीं? नहीं मुझे मंजूर नहीं है। फिर ये शादी कैंसल। अरे आप ही मान जाओ। नहीं नहीं मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। तो मैं भी शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा। साले हरामी 1.5 फुटिए तुझसे शादी करवा के कौन लड़की अपनी किस्मत फोड़ेगी? और क्या कह रहे चिकन चाहिए तुझे? अगर यहाँ पे कुछ सेकंड और रुकाना तो यहीं पे तेरी चिकन बिरयानी बना डालूंगी मैं, समझ गया? तो मेरा बेटा खल्ली रुक जा मैं भी आऊं। चल भगवान ने चल 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 चल। मैं बोल रहा था कि बेटे की शादी तो कैंसिल होगी। मेरे बारे में क्या विचार है? मेरी तो कोई शर्त भी नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं सेठ जी, आप ही के बारे में तो सोच रहे। अरे भाई मेहमान भगवान का रूप होवे फिर कर दो सेवा। जी पिताजी। लो राम बलो करे थारो, राम बलो करे थारो, राम बलो करे थारो, राम बलो करे। मर गयो, 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 मर गयो,